आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक उदाहरण है कि वस्तु को किस ढंग से जीवन में उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग में लाना ये उद्देश्य है। भिन्न भिन्न वस्तु भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त रहते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं और लाभप्रद भी, हमारी बुद्धि में विकास भी ला सकते हैं, बुद्धि को नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसे वस्तुओं के बीच में हम बैठे हैं, उसका उपभोग उसका उपयोग बहुत दिमाग के साथ करना पड़ता है। आपके पास दिमाग तो है ही नहीं है, थोड़ी टटोल करके देख लो कहाँ है, उसका स्पर्श कैसा है। दिमाग पर ऐसे यूँ कर देते वो तो माथा है, दिमाग कुछ और होता है। अब दिमाग से काम करें, वस्तु का उपयोग करना है। हम मान लीजिए बच्चे का जीवन कमज़ोर है, अभी भूख ज़्यादा नहीं लग रही है और उसके लिए कुछ खिलाना पिलाना है, किंतु अभी वह दूध के साथ ही चल सकता है, ये भी आपको ज्ञात है। तो उस दूध में से दूध में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने से थोड़ी सी तरलता आ जाएगी, उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा और बच्चे के लिए पाचक होगा। ठीक है, ये दूसरा बड़ा बच्चा है तो वो क्या करता है, उसकी लीवर ठीक है और उसके सारे सारे अंगों पांव ठीक है, उसका विकास निश्चित है, तो उस दूध को पानी न मिलाओ, थोड़ी सा गाढ़ा करके दे। नहीं समझे तो बाहर आप कर लेते, दिमाग से करते हैं ना, या बच्चों को देख करके करते हैं, बच्चों को देख करके दिमाग से करते। अब देखो दूसरे धर्म से हम चलते हैं, उसको परिवर्तित करना है तो कैसे करें। दूध किसी को किसी प्रकार से अनुकूल नहीं, तो ऐसा करो इस दूध को क्या कर लो, फाड़ दो, धोखी धोखी जैसे फाड़ते हैं, कैसे फाड़ना है, तो उसमें नींबू अथवा फिटकर मुट्ठी की एक चम्मच दे दो तो फट जाएगा क्या, है ना, दिमाग है क्या नहीं। हाँ, मुट्ठी के माध्यम से वह जमेगा और नींबू की और फिटकरी के कारण वह फटेगा, लेकिन फाटने के उपरांत भी वह अपने गुणधर्मों को लेकर के चलता है। तो हमने बुद्धिपूर्वक उसको फाड़ा, तो फाड़ने से उसका पानी पानी और जो गाढ़ापन था वह एक तरफ हुआ, जिसको बोलते हैं आप छेना, वह पानी दूसरे के काम में आ जाता है और वो छेना आप अपने ढंग से काम में लेते हैं। फाड़ने की क्रिया हो गई, फाड़ना और फट जाना, इन दोनों में अंतर है क्या नहीं है। दिमाग से कह रहे हो कि वैसे ही कह रहे हो, फाड़ना और फट जाना अलग अलग है, मतलब एक के द्वारा व्यंजन दो तैयार हो गए, पानी भी काम में आ गया
और सेना में काम में आ गया। दो व्यक्तियों के लिए आपूर्ति हमने अपनी कुशलता पूर्वक, कुशलता का अर्थ क्या है, बुद्धि की कुशलता मानी जाती है। स्किल आज आप लोग विकास में लगे हैं, सरकार भी पीछे पड़ गई है, 70 साल में कुशलता नहीं आई, अब जो है आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना अच्छा है। अब एक में फाड़ दिया और एक में फट गया, तो फटता कब होता, जब हम दूध में विपरीत तत्व घोल देते या पड़ जाता है। नमक की छोटी भी कली दली तो वो फट जाएगा, किसी के काम में नहीं आएगा, न स्व के लिए न पर के लिए। कुत्ते इत्यादि के सामने भी रख दो वो सूंघ लेता ये फटा है क्या फाड़ दिया है, तो फटा है तो सूंघेगा और निकल जाएगा, और फाड़ा हुआ है तो काम में आता है तो वही ले लेगा। तो नमक की डाली उस वस्तु की उपयोगिता को समाप्त करने वाली है, उससे आप बचिएगा। हाँ, यदि आपके पास मठा है तो हम बताना चाहते हैं उसमें नमक की डली डालिएगा, नहीं डालिए। हाँ, वस्तु का उपयोग द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से दिमाग से ये काम लेते हैं तो हम कम खर्चे में बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। यह संक्षेप से वस्तु का परिणाम तो होता ही रहता है, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हम उनको कभी समाप्त कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, कभी संस्कृत कर देते हैं। तो संस्कृत करने के विधा में हमें आगे बढ़ना है, इस ढंग से आगे बढ़ना है कि वह एक व्यक्ति के लिए नहीं बहुत जनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। इस प्रकार के चिंतन अध्ययन अथवा हमेशा हमेशा हम सोचते रहेंगे तो बहुत कुछ हम अधर्म को रोक सकते हैं और धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यदि धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं, स्वयं चल सकते हैं चाहे तो कई लोगों को भी एक इशारे से उस मार्ग पर लगाने का हाथ है, थोड़ी कि लाइन लगा लगा कर खड़े कर अपने आप ही वह लगता ही चला जाता है, पर पशु भी उस प्रवाह में अवश्य स्नान कर जाते हैं। आपके सामने आकर के बताते नहीं, किंतु उन्हें याद रहता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसका परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में प्रलाहट क्रांति अच्छाई के तौर पर हुई थी। आप लोगों को शिक्षा आदि जो दी जाती है इन्हीं सब बातों को लेकर के दी जाती है, किंतु वर्तमान की शिक्षा प्रणाली इन सब बातों से विमुख है। जो आवश्यक है उससे उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रही है। उस शिक्षा से वो क्या कराना चाहती है यह अभी तक खुल नहीं पा रही। प्रयोजनहीन कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु आप लोग निष्प्रयोजनता की ओर कितने बढ़ चुके आगे, इसको हम किसी भी प्रकार से मात्रा के माध्यम से नहीं कर सकते।
और इसका लौटना कब संभव है ये भी मैं नहीं कह सकता। लौटने का विधान तो ये होता है, अभी तक तो मैंने जो चला या आगे बढ़े वो सब गलत है ये जानना अनिवार्य है। कभी कभी लौटना बहुत ही अखरता है, 10 कदम भी कर क्यों ना हो गलत मान लो रास्ते से चले गए, याद करते समय ज्ञात हुआ आप तो रास्ते को छोटा बनाने के लिए गए लेकिन वह और बड़ा बन गया। कितना बड़ा बन गया, 5 किलोमीटर आप आगे पहुंच गए, लौटना अनिवार्य है। ऐसे उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप सीधे ही लौटना पड़ेगा, वहाँ पर अखरता है। ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक तो पहली कक्षा से लेकर 16वीं कक्षा तक विद्यार्थी जा रहा है, उसमें लौटने की प्रक्रिया नहीं है। सुन रहे हैं बच्चे, पहली कक्षा, फिर आधी कक्षा, दूसरी कक्षा, फिर पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर पहली कक्षा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज ये होने लगा है, पद्धति का अध्ययन करने से ज्ञात हो रहा है। परीक्षा ऐसी दी जा रही है, जो हाई स्कूल में जा रहा है वो प्राथमिक कक्षा में जब था उस समय जो पाठ्यक्रम था उसमें भी पास नहीं हो पा रहा, और उनके अभिभावक और वो बच्चे सब उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास, अरे तट के पार चला गया, बहुत ही नंबर आ गए। ये जब सुनते हैं इसको लौटना बोलते हैं। उस बच्चे को अब श्री गणेश से प्रारंभ करना होगा, सब कुछ अब बहुत ही अखरता है। क्यों अखरता है, क्यों पुनः 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 करना अखरता है, किंतु फेल होने के उपरांत या मानव चयनित नहीं होता तो पुनः पुनः प्रवेश लेखन के रूप में परीक्षा, पुनः आमुख परीक्षा। कितनी बार दे चुके हैं। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो 1 वर्ष में इस ढंग से 3 बार हो जाते हैं। जब पूर्ण नहीं हुआ तो पुनः आकर के वहीं से प्रारंभ करना पड़ता है। ये कितना अखरता है। लेकिन केवल उनकी बुद्धि में ये बात रहती है कि नहीं और एक बार देख लूँ और एक बार देख लूँ। ये परीक्षाएं नहीं, एक प्रकार से घूम फिर करके हम कह दें कि कुछ योग्यता आपके पास और हासिल हो जाए। और योग्यता कई प्रकार की हुआ करती, धीरे धीरे युग अब मुड़ता हुआ इस ओर आ रहा है, तो इस ओर भी आपका ध्यान होना चाहिए। बच्चों के लिए वह बुद्धि फट न जाए। आप फाड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि फटना जाए तो उसकी बुद्धि फटने से पूर्व में आपकी बुद्धि फट जाएगी। क्योंकि हमने जो परिश्रम किया उसने नहीं किया, किंतु उसको हमने ये दिशा दी थी। इसलिए दिशा देना एक बार होता है तो वह बहुत दिन तक कार्य करता रहता है। आपके ऊपर दायित्व है, आप सोच विचार करके अखर न पड़े, बल्कि यूँ कहना चाहिए
वह याद रखेगा कहाँ से मैं मुड़ गया इस पगडंडी में। उसको उसको नहीं छोड़ा, वह आपके लिए पथ का काम करेगा। मैं कहाँ से मुड़ा हूँ ये यदि अपने आप को ज्ञात हो गए, देखो यहाँ तक आया था और यहाँ से इधर न जाकर इधर मुड़ गया, यह भी काम में आएगा। फिर बाद में आप सीधे रास्ते पर लग सकोगे। कोई भी नहीं बताने वाला है तो अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा। आज आपके बच्चे इसको समझे, उनसे पहले आप समझे। फाड़ना और फट जाना, फट जाना जाति के कारण, फाड़ना एक प्रकार से सजाति के कारण हुआ करता है। इसलिए भिन्न भिन्न व्यंजन यदि आपको अपेक्षित हैं, अपने बुद्धि का उपयोग सही सही करिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो जो सही करना है उसको जाकर के पूछने में कोई बाधा नहीं, पूछने से अनुभव अपना पड़ जाता है। लेकिन आज कुछ जो कुछ हो रहा है इन सब से परे हो रहा है, इसलिए इन उदाहरणों के साथ आपकी कुशलता आपकी योग्यता सही दिशा में आ जाए। आपके पास योग्यता तो बहुत है, लेकिन प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ये योग्यता यदि काम में नहीं आ रही है, आपका परिश्रम आपका वित्त आपका समय आपका जो कुछ भी दूसरे को निर्देशन देना बहुत ही खतरनाक शब्द होंगे, और इससे हाथ में निराशा निराश जो बहुत ही बड़ा अभिशाप का काम करता है उससे आप बच सके। इतना ही कहना था। अहिंसा परमो धर्म।